नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। जालौन में आयकर विभाग ने नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके रिश्तेदारों के घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता विष्णु पांडे ने। लखनऊ से आई आयकर विभाग की टीम ने नगर में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है, जिससे कि नगर में आयकर विभाग की टीम के द्वारा की गई छापेमारी से नगर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के नगर कदौरा का है, जहां कदौरा नगर में आज लखनऊ से एक दर्जन गाड़ियों में भर कर आए आयकर विभाग के अधिकारियों ने नगर पंचायत अर्चना शिवहरे व उनके रिश्तेदारों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं कदौरा नगर में चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी से नगर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के नगर कदौरा का है, जहां कदौरा नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना शिवहरे के घर व उनके रिश्तेदारों के यहां आयकर विभाग के द्वारा जबरदस्त छापेमारी शुरू कर दी गई है और लगातार यह कार्रवाई सुबह से आयकर विभाग के द्वारा जारी है। वहीं नगर में आयकर विभाग के द्वारा की गई छापेमारी से समस्त नगर में लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। सुप्रीम कोर्ट से दो मामलों में अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध तरीके से मुलाकात मामले में जमानत दे दी है। फिलहाल गंगेस्टर मामले में अभी तक बेल नहीं हुई है, जिसके चलते अब्बास अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि मऊ के सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी पर कई मुकदमे दर्ज थे। उन्हें चित्रकूट जेल के बाद कासगंज जेल में रखा गया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, पत्नी से अवैध तरीके से जेल में मुलाकात के साथ साथ गंगेस्टर एक्ट का मुकदमा भी चल रहा है, जिस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध तरीके से मुलाकात मामले में जमानत दे दी है। हालांकि गंगेस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। जिस तरह से लगातार मऊ के सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही थी, लेकिन अब इधर बीच अब्बास अंसारी के लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल अभी वह गंगेस्टर एक्ट मामले में जेल में ही बंद रहेंगे। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। बिहार में जहरीली शराब कांड में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने मामले में 450 लोगों को हिरासत में लिया है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सुचित्रा गुप्ता। शराबबंदी होने के बाद भी लगातार कई मौतें देखने को मिलती हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी अवैध शराब और जहरीली शराब की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर आज एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर 450 से ज्यादा लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। आपको बताएं कि कई सालों से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी होने के बाद भी अफसरों के नाक के नीचे जहरीली शराब बेची जा रही है और इसका पूरा मुनाफा भ्रष्टाचार के जरिए जो अधिकारी हैं उनके पास भी पहुंच रहा है। इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है, जहां पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 12 सवाल दागे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार की आत्मा मर चुकी है। आपको बताएं कि इसे लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी राजनीति करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने सीएम नीतीश पर कई बड़े आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि यहां पर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन
सीएम नीतीश पटना की सड़कों पर ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जहां पर इतनी मृत्यु होने के बाद सीएम नीतीश का अभी तक एक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन सारे तमाम आरोप से बचने के लिए एक्शन लेकर 450 लोगों को हिरासत में लिया है। अब देखना यह होगा कि इस वृत्तांत के बाद क्या कुछ आगे सावधानियां बरती जाती हैं। कैमरा पर्सन महेश के साथ मैं सुचित्रा गुप्ता, इंडिया। मैनपुरी जिले में करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सियासी दलों में क्या हलचल मची है, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता महेश कुमार। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू कराई गई है, जिसमें मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर शुरू कराई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से जो नामांकन की जो सुरक्षा रखी गई है वो 3 लेयर में रखी गई है। तो वहीं आज बात की जाए समाजवादी पार्टी की, जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव, उनके द्वारा 4 सेट जो आलोक जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उनके द्वारा खरीदे गए हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 3 सेटों की खरीदारी की गई है। तो वहीं निर्दलियों ने 1-1 सेट की खरीदारी की है। अब कुल मिलाकर 7 से 8 सेट आज खरीदारी हो चुके हैं। लगातार जो लोग जो प्रत्याशी हैं उनको बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा, उनको किसी तरीके की परेशानी न हो इसके लिए कई बैरिकेटिंग्स और कई लोग इसमें लगाए गए हैं। लगातार सुरक्षा की बात की जाए तो 3 लेयर सुरक्षा में इस नामांकन प्रक्रिया को शुरू कराया गया है। 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया की जाएगी, 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की जो तिथि है वो रखी गई है। तो वहीं कई जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया है जब तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने और जाने की अनुमति नहीं होगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर अहम बैठक की है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केतुरा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वायदा किया था वो वायदा पूरा होने के पहले पर पहुंच चुका है। पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पे किया गया था जो यूसीसी कानून को लेकर ड्राफ्ट बनाने का काम कर रही थी, और अब उसके बाद ड्राफ्ट बनने के बाद जो उसके रूल्स जो उसके नियम होंगे उसके कानून होंगे एक्ट में जो प्रावधान होंगे उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी नियमावली को लेकर उसने भी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। ये कहा जा सकता है कि अब धामी सरकार जल्द ही इस यूसीसी कानून को लागू कर सकती है और उम्मीद ये है और जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर को राज्यवासियों को यह सौगात यहाँ पर दी जा सकती है। यूसीसी कानून इसलिए भी बेहतर उत्तराखंड के लिए कहा जा सकता है कि जो डेमोग्राफिक चेंज की जो बातें अक्सर राज्य के भीतर उठने लगी है उसमें भी यहाँ पर विराम लग पाएगा और महिलाओं के जो अधिकार है और सशक्त होते हुए नजर आएंगे और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का वायदा भी पूरा हो पाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यूसीसी कानून को लेकर धामी सरकार एक चीज से कई निशाने साधने का काम कर रही है। कैमरामैन सुनील साहा, भाई केंद्रा, इंडिया वाइज। वाराणसी में बीएचयू में तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। डॉक्टरों के बीच में हड़ताल पर जाने का तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन डॉक्टरों के लगातार हड़ताल पर जाने की वजह से लगातार चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार चिकित्सा व्यवस्था चरमराने से मरीजों के हाल बेहाल है, मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। लगातार जो है चिकित्सकों के द्वारा मांग की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके ऊपर लगातार हमले होते रहे हैं, आए दिन धमकियाँ मिलती रहती हैं। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चिकित्सकों द्वारा हड़ताल जारी है। चिकित्सकों का यह कहना है कि लिखित रूप से जो है हमें यह मिले कि जिस हमारे चिकित्सक हम लोगों की सुरक्षा की मांग जो की जा रही है वह लिखित रूप से दिया जाए, तब जाकर के हम लोग तीसरे हड़ताल को समाप्त करेंगे। और वहीं दूसरी ओर लगातार जो है चिकित्सक सेवाओं के बाहर न होने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है हड़ताल का दौर जारी है और वहीं लगातार तीसरे दिन तक अभी तक जो है बड़े प्रशासन के द्वारा बड़े आला अधिकारियों के द्वारा अब तक जो है जिस चिकित्सकों से इस तरह का हड़ताल के दौरान संपर्क नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हड़ताल जो है लगातार अभी आगे बढ़ने की संभावना है और लगातार हड़ताल बढ़ने की वजह से लगातार चिकित्सा ठप होती जा रही है और वहीं मरीजों से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी।
आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज राव जैन कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि 2.5 साल बाद आज सत्येंद्र जैन अपने घर वापस लौटेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से सत्येंद्र जैन 2022 में ईडी के मामले में कोर्ट में जेल में बंद थे, तो लेकिन उसके बाद लगातार उस पर जिस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि उससे पहले जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए थे, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया वो भी जेल में गए थे लगातार, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में गए थे, लेकिन उसके बाद तीन लोगों जमानत मिलने के बाद सत्येंद्र जैन की जमानत आज आखिरकार हो ही गई है। लेकिन उस पर साफ तौर पर कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन जिस तरीके से 2.5 साल बाद आज अपने घर वापस लौटेंगे, और लगातार मनीष सिसोदिया ने इस पर भी तंज कसा है कि कहा है कि सत्य में जैन थे जिंदाबाद, और लगातार उन्होंने कहा है कि तानाशाही की सरकार और लगातार तानाशाही जिस तरीके को देखने को मिल रहा है, और लगातार झूठे आरोपों में सत्येंद्र जैन को जो है जेल में बंद कर रखा था, लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि आखिरकार सत्येंद्र जैन के घर पर 4 से 5 बार ईडी की छापेमारी चली थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला था। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहना है, लेकिन अब देखना यह है कि सत्येंद्र जैन को आखिरकार जमानत दे दी गई है शर्तों पर, लेकिन उसके बाद बताया जाए कि 50,000 रुपये का मुचलके के ऊपर जमानत दी गई है, लेकिन कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सत्येंद्र जैन ना तो कहीं विदेश जा सकते, ना अपने गवाहों से मिल सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने यह आदेश जारी किया और लगातार इसमें कहा जाए कि सत्येंद्र जैन ना तो चुनाव प्रचार में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनावों की नजदीकी आ गई, तो उस पर देखते हो आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, और लगातार इस पर अब देखना यह है कि सत्येंद्र जैन को जिस तरीके से जमानत मिली है तो आखिरकार आम आदमी पार्टी में कितनी खुशी की लहर है, और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया जा रहा है कि सत्य में जैन थे जिंदाबाद और अभी जिंदा है, लगातार तानाशाही और बुनियादी की जो जिस तरीके से आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की तानाशाही की, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पे भी उन्होंने निशाना साधा, कहा कि झूठे आरोपों में जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को अभी तक जेल में बंद था, लेकिन उनके ऊपर कोई भी मुकदमा ईडी की तरफ से नहीं मिला है। कैमरामैन महेश के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी वासियों को बड़ी सौगात दी है। आखिर क्या सौगात दी है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। लगभग 5 से 6 घंटे के दौर इस राज्य में वाराणसी में पीएम मोदी का प्रवास होगा। इस दौरे पर पीएम मोदी वाराणसी में लगभग 66 करोड़ रुपये की जो है वाराणसी सहित पूर्वांचल को सौगात दी गई है। वाराणसी में लगातार चल रहे परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। वाराणसी के सिगरा स्थित कॉम्प्लेक्स में जनसभा का संबोधन भी होगा। वाराणसी में पीएम के आगमन के मद्देनजर भाजपा के तमाम पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बलौदाबाजार में इंडिया वॉइस की ग्राउंड रिपोर्टिंग का खनिज विभाग में बड़ा असर देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। वॉइस की ग्राउंड रिपोर्ट का आज असर हुआ। जिला प्रशासन दंडाधिकारी कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा आज खनिज विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि नदियों पर रेत का उत्खनन अवैध रूप से बहुत तेजी से हो रहा, जिसकी शिकायत इंडिया वाइज ग्राउंड रिपोर्ट में की थी। तो आज खनिज विभाग की पूरी टीम उड़न दस्ता ने जाकर 8 हाइवा, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्राली रेती को जब्त किया गया। बताया जाता है कि कल भी जब रिपोर्ट जब की गई, मैंने शिकायत जब ग्राउंड रिपोर्ट की गई थी, तब भी 5 हाइवा, 5 ट्रैक्टर को जब्ती बनाया गया था। और आज 2 महीने के अंदर, याद रहे कि 2 महीने के अंदर 236 प्रकरणों में 2.54 लाख रुपए की पेनाल्टी कलेक्टर द्वारा ये अवैध उत्खनन और अवैध रूप से जो पोकलैंड से नदी से रेती निकाली जा रही थी उनका पेनाल्टी लगाई गई थी। लेकिन फिर भी रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इतनी पेनाल्टी और इतनी कार्रवाई होने के बाद भी रेत का अवैध रूप से उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है। आज भी जब खनिज विभाग की जब टीम गई थी, तब भी भंडारण, बड़ी मात्रा में भंडारण को जब्ती बनाया गया है और उसके बाद कार्रवाई की गई है और उसके बाद जुर्माने की कार्रवाई आज की जा रही है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। आखिर क्या आदेश जारी किया है, जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रज्ञा मिश्रा।
और आसपास के इलाके में प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो लोग पराली जलाएंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही वो अपनी मंडी में जो सब्जियां हैं या जो अपने माल है वो नहीं बेच सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके खिलाफ रेड अलर्ट भी जारी किया जाएगा, उन्हें मंडी में अलाउ नहीं किया जाएगा। हरियाणा के कृषि विभाग ने जो किसान पराली जलाते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, उनके कृषि रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी ताकि वो अगले 2 सीजन के दौरान ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल ना बेच सके। इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि किसानों के फार्म रिकॉर्ड में लाल निशान की एंट्री की जाएगी, जिससे किसान अगले 2 सीजन के दौरान ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। और ये दुर्ग जिले में अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर CM के निर्देश के बाद भी अधिकारी मौन है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। दुर्ग जिले में फिर से अवैध प्लॉटिंग का खेल शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि दुर्ग जिले में खासकर कोका कुरुद एरिया बोरसी के आसपास ग्रामीण एरियाओं में शहरी क्षेत्रों से लगे सटे इलाकों में लगातार अवैध प्लॉटिंग की शिकायत जिला प्रशासन को मिलती रही है, जिसे लेकर के पहले 6-8 महीने पहले लगभग इस पर अवैध प्लॉटिंग पे कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी तब से स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया था जिला अध्यक्षों की अवैध प्लॉटिंग पे करने वाले जो अवैध प्लॉटर्स हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, परंतु जिला प्रशासन नगर निगम भिलाई के अफसर अधिकारियों की मिली भगत की वजह से कहीं न कहीं अवैध प्लॉटिंग का पूरा फल फूल रहा है। आपको बताते चले कि कुरुद गांव के से लगा हुआ अवैध प्लॉटिंग लगभग 2 जगहों पे लगभग 10 एकड़ से 12 एकड़ के क्षेत्र में यहां पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है, जिसे निगम प्रशासन के अधिकारियों के जानकारी में होने के बाद काठगोदाम से देहरादून आ रही देहरादून एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे 15 फीट लंबे सरिये पर चढ़ गई। खबर की पड़ताल किया हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने। में पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही है कि ट्रेन के पलटाने की साजिश कहा जा सकता है कि ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं पर सिलेंडर ट्रैक पर मिल रहे हैं तो कहीं पर केबल ट्रैक पर मिल रही हैं। और वहीं एक मामला नया राजधानी देहरादून के अंदर सामने आया है कि काठगोदाम से आने वाली लोकल ट्रेन एक्सप्रेस जो कि जिसके नीचे एक सरिया 15 फिट का आ गया, यानी कि 15 फिट के सरिया आने के बाद कहीं ना कहीं ट्रेन के जो टायर थे उनमें कहीं ना कहीं पूरा जो जोर से चिंगारी उठी, तो चिंगारी उठने के बाद जो पायलट थे उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लिए और उसके बाद देखा कि वो सरिया कहीं ना कहीं ट्रैक पर आया था और जिसकी जानकारी तुरंत ही उच्च अधिकारियों को दी गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की साजिश रचने वाले आखिर कौन है, क्योंकि पुलिस लगातार इस पर कहीं ना कहीं अपनी जाँच जरूर कर रही है, क्योंकि अभी तक जो देखा जाए तो जो सिलेंडर का मामला था वो भी खुलकर सामने नहीं आया है और वहीं एक और मामला निकल कर सामने आया। हालांकि बताया जा रहा है कि वहीं आसपास ही ट्रैक के आसपास ही जो है निर्माण कार्य भी चल रहा था। लंबे समय से चल रहे सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब स्थिति साफ हो गई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई हैं। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं दी, इसका कहीं ना कहीं सपा ने बदला भी लिया है और यूपी के उपचुनाव में 2 सीटें देकर एहसान भी जता दिया है। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और सफलता भी मिली, लेकिन इसके बाद जिस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार रहा, हरियाणा में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। इधर आगरा में पुलिस ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है, मामले की तफ्तीश की है हमारे संवाददाता जिसान अहमद ने।
आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद आगरा पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज हरिपर्वत पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान थाना हरिपर्वत पुलिस ने एक कार को रोका जिसमें 275 लीटर शराब बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने पूछताछ की, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं अनुमानित कीमत भी 7 लाख रुपये अवैध शराब की बताई जा रही है। हालांकि प्रेस वार्ता कर DCP सिटी ने इस बात की जानकारी दी और दोनों अभियुक्तों को कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया गया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगे। कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से अभी आपको दिखाना चाहेंगे कांग्रेस के राजधानी लखनऊ। साथ ही बहराइच हिंसा मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुंवर दिवाकर। महस्ती महाराजगंज कस्बे में गत दिनों हुई हत्या, दंगा हो रहा था, दंगा में जो है राम गोपाल की हत्या हो गई थी, जिसपे ताजा घटनाक्रम आज कल जो है दो लोगों का इनकाउंटर हुआ, 5 गिरफ्तार किए गए जिसमें से 2 का इनकाउंटर हुआ जो अस्पताल में भर्ती थे। देखते ही देखते शहर पूरा छावनी में तब्दील हो गया, जगह जगह पुलिस सुरक्षा लगी हुई है। आज के ताजा हालात, जुमा की नमाज को लेकर भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई थी। ADG लाइन ऑर्डर, ADG एलओ, DIG, कमिश्नर, DMSP लगातार सभी लोग घंटाघर चौकी पर बने हुए थे। गाजीपुर में मर्चेंट नेवी की फर्जी परीक्षा का खुलासा हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गाजीपुर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता जब पुलिस को ये सूचना मिलती है कि गाजीपुर के गोरा बाजार में मर्चेंट नेवी की परीक्षा चल रही है जो अल्टरनेट पब्लिक स्कूल में संचालित होने वाली थी। मौके पर प्रिंसिपल जब फोन करते हैं उनको ये शक होता है कि शायद ये परीक्षा फर्जी हो रही है। उसके बाद मौके पर सदर, SDM और कोतवाली पुलिस जाती है, छानबीन करती है और मौके से 2 युवक को गिरफ्तार किया जाता है जो राजस्थान के रहने वाले थे। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका कापियां को पुलिस वहां पर सीज करती है और अपने साथ लेकर आती है। पुलिस ये बताती है कि जब उनको सूचना मिली कि शायद यहां पे जो परीक्षा हो रही है वो मर्चेंट नेवी की फर्जी परीक्षा यहां पे हो रही है। जहां अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। अलीगढ़ की विधानसभा खैर 71 में उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। दरअसल आज शुक्रवार के दिन से नामांकन प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा शुरू करा दी गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए खैर विधानसभा में कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो वहीं शुक्रवार यानी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक नामांकन पर्चे दाखिल किए जाएंगे। तो वहीं 7 नामांकन पर्चे दाखिल करने वाले प्रत्याशी के साथ नामांकन कक्ष में मात्र 5 लोगों की अनुमति होगी, यानी 5 लोग। अयोध्या में दिवंगत सपा नेता सतीश चौधरी के परिवार को सपा मुखिया की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। तो दिवंगत सपा नेता सतीश चौधरी के परिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। तो गाजियाबाद सीट को लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने चल रही हैं और आज से नामांकन शुरू हो गया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम। संविदा निविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, संविदा निविदा कर्मचारियों को अपनी नौकरी का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है जिसको लेके फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।